सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फोटोन गेमर। लास्ट वीडियो हमने ऑरेंज लीग चैंपियन ड्रेक को हराया था और पकड़े थे तीनों बर्ड लेजेंडरी पोकेमॉन, मतलब हमने दो लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन पकड़े थे और ज़ेब्डोस हार गया था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपने चोटो की जर्नी को कंटिन्यू। तो हम शुरू करते हैं। हमें बताया गया था कि हमें लास्ट टाइम बताया गया था कि हमें सबसे पहले जाना है प्रोफेसर ओक के पास। हम चले जाते हैं प्रोफेसर आईवी के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर है हमें एक ऑप्शन है यहाँ से कैंटो जाने का। और अब हम हो चुके हैं कैंटो में टेलीपोर्ट। हम यहाँ से वापस ऑरेंज लीग में भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो अब मैं जाता हूँ प्रोफेसर ओक के पास। एक बार मैं बात कर लेता हूँ मॉम से। ओके, हम कैंटो में आ चुके हैं, पैलेट टाउन में, एस का होम टाउन। और क्या कुछ स्पेशल है यहाँ? ओके, फीलिंग स्लो, प्रेस एफ की। नो, ओके, प्रेस एफ की ही बता रहा है ये। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और यहाँ बात करके देखता हूँ इनसे। ओके, ये हाउस बंद है, यहाँ डोर इज़ लॉक्ड, यहाँ सारे दरवाजे बंद हैं। और दिस डोर इज़ लॉक्ड, द डोर इज़ लॉक्ड, द डोर इज़ लॉक्ड। ओके, इसने हमें म्यू दे दिया। वाह, ऑरेंज आइलैंड के जीतने के बाद हमें चार लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिले, म्यू और तीन बर्ड पोकेमॉन। और अब आया है गैरी, तो हम लड़ते हैं गैरी से। गैरी अपनी जोटो की जर्नी को कंटिन्यू कर चुका है, क्योंकि उसने अपने पास एक ही पोकेमॉन इस समय चुना है, वो है ईवी। लेवल 50 का बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इस गैरी का ही ईवी बाद में बन जाता है ओमरियन। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है ये। ओके गैरी, एक बार मैं इनसे भी बात करके देखता हूँ क्या ये भी हमें कुछ देंगे। नहीं, पर म्यू मिलने की मुझे बहुत खुशी है। यहाँ पर हमें कुछ मिला, ये है एक पोशन। और अब हम जाते हैं प्रोफेसर ओक के पास, क्योंकि अब वो बताएंगे कि हमें जोटो के लिए क्या क्या करना है। ओ, ये तो ट्रेसी है, हमारा दोस्त। ट्रेसी बहुत खुश है प्रोफेसर ओक से मिलने के बाद। और यह है ट्रेसी के पोकेमॉन साइथर, मैरिल और वेनोनेट। ओके तो प्रोफेसर ओक ये हैं, इनसे बात करते हैं। और इन्होंने जीएस बॉल ले ली और ये जीएस बॉल को रख के आ रहे हैं। और अभी हमें बता रहे हैं कि हमें रूट 22 पर जाना है, क्योंकि वहीं से ऑप्शन है जोटो जाने का। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं रूट 22 में। और एक बार हम जाएंगे यहाँ और अपने पोकेमॉन से मिलेंगे, वो हमारा स्नोलैक्स। इसे हमने ऑरेंज आइलैंड में पकड़ा था। और आपको डिस्क्रिप्शन में पोकेमॉन फायर एस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और ये है हमारा मक, और ये हमारा किंगलर। वाव, तो हम जोटो के टाइम अपने वही करेंगे जो एस ने किया था, मतलब हम अपने पुराने पोकेमॉन्स को छोड़ देंगे और अपने साथ रखेंगे सिर्फ न्यू पोकेमॉन। तो हम मेनली कैरी करेंगे अपने साथ पिकाचू और एस को, और ब्लास्टोइस, पेरिस चॉम्प और पिजियोट को हमें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि तब हमारे साथ नई पोकेमॉन जर्नी में जुड़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं रूट 22 को ढूंढते हैं। जल्दी जल्दी हम आ चुके हैं अब विरिडियन सिटी में। आधे से ज़्यादा रूट शायद सारे रीजन्स में जाने का रास्ता विरिडियन सिटी से ही होता है। हम रूट 22 में आ चुके हैं। ओके, नहीं, ये नहीं है रूट 22, कैंटो लीग से होता है रूट 22 का रास्ता। और ये, जी हाँ, यही है रास्ता। लास्ट टाइम हम आए थे तो उसने हमें मना किया था। तो हम आ चुके हैं रूट 45 पे। उन्होंने तो रास्ता रो रखा है, फियरो। ये है इसका मच ऑफ, पता नहीं, जो भी ये फाइट कर रहे हैं। अब मैं चलता हूँ आगे, और यहाँ पर एक एग भी है लेकिन रास्ता नहीं है अभी। और अब हम आ चुके हैं, इसने हमें वेलकम किया है, थैंक यू सो मच। जोटो की जर्नी वैसे मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट है, इस टाइम भी बहुत मज़ा आता है। और ये हैं प्रोफेसर, ये हैं स्टार्टर पोकेमॉन चिकोरीटा, सिंडक्विल और ट्रोटोडाइल। ऐसे इन तीनों पोकेमॉन को जर्नी में पकड़ता है, तो मतलब ये पोकेमॉन हमें मिलने वाले हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। कोई क्या, हमें कोई पोकेमॉन नहीं मिलेगा? ओके, मैं समझ चुका हूँ कि हमें कोई पोकेमॉन नहीं मिलेगा। मैं फिर से इनसे बात करता हूँ। ये कह रहा है कि हम यहाँ मशीन से अपने पोकेमॉन को हील कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। जी हाँ, पोकेमॉन हील हो चुके हैं, सिंडक्विल। और अब देखते हैं, ये है रास्ता है। अब हम ऑरेंज आइलैंड भी जा सकते हैं यहाँ से। और अब है न्यू बार्क टाउन में हैं हम। प्रोफेसर के बारे में बता रहे हैं, प्रोफेसर इल्म।
मुझे भी उनका नाम ढंग से नहीं पता। ये भी क्या ही? हाँ जी हाँ, ये डोर भी लॉक है क्या? ये भी लॉक है? दिस डोर इज लॉक्ड, मतलब द डोर इज लॉक्ड। यहाँ तो हम पहले भी आ चुके हैं। न्यू बार्क टाउन से अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा पोकेमोन हमें मिलेगा। एक हेराक्रॉस। एस ने अपने जोटो में सबसे पहला पोकेमोन हेराक्रॉस ही पकड़ा था और हमें मिल चुका है हेराक्रॉस। जी हाँ, हम इसे एक निकनेम देंगे। मैंने हेराक्रॉस के लिए एक निकनेम सोच लिया है, वो है लॉ, LAW। लॉ मॉनसूनो जो एनीमे था उसमें जो मेन मॉनसूनो था उसका नाम भी लॉ था, तो इसलिए मैंने इसका नाम लॉ रखा है। हमें मिला है एक पोशन। ओके, तो अब हम जाते हैं जल्दी जल्दी और हेराक्रॉस को लेते हैं अपनी टीम में। देखते हैं हेराक्रॉस कितने लेवल का है। बिल स्पीसी मूव पोकेमॉन और हेराक्रॉस, ये रहा हमारा एंड में है हेराक्रॉस। ये म्यू भी है जो हमने पकड़ा था वहाँ, मतलब हमें मिला था हेराक्रॉस, सिर्फ लेवल 6 का है। क्या इसे टीम में लेना पड़ेगा? मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, तो फ़िलहाल मैं रख देता हूँ और जब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो मैं हेराक्रॉस को अपनी टीम में ले लूँगा। तो मैं चलता हूँ आगे। ओके, और ये रास्ता बंद है, हम चलते हैं थोड़ा आगे। और अब दिन हो चुकी है रूट 29 पे। ओह, ये है केसी। जी हाँ, इसके पोकेमोन तो बहुत कमज़ोर थे। चारिज़ार्ड ने किसी को नाखून से, किसी को अपने पेट से, तो किसी को अपनी फूकी से हरा दिया था। ये तो बहुत ही कमज़ोर पोकेमोन लेवल 3 के। तो मैं समझ चुका हूँ और अब मैं लूँगा अपने लॉ को अपनी टीम में, मतलब हमारा हेराक्रॉस। ओके केसी, मज़ा आया तुमसे लड़के। अब मैं लेता हूँ हेराक्रॉस को अपनी टीम में और मैं हटाऊँगा अपने पिजियोट को, क्योंकि पिजियोट भी हमारी जर्नी में साथ छोड़ ही देगा शायद। पहले मैं पिजियोट को हटा देता हूँ। पिजियोट, ये रहा पिजियोट। बैक एंड इसको मैं प्लेस कर देता हूँ और अब मैं चलता हूँ वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने। रूट 29 पे है, आगे देखते हैं कि कौन सा पोकेमॉन मिलेगा। ओके, मुझे चिकोरिटा दिख रहा है और हमें, यह रहा चिकोरिटा, हमारा सेकंड पोकेमॉन। जल्दी चलते हैं चिकोरिटा को पकड़ने। वो एक डबल फाइट होने वाली है, कोई बात नहीं, डबल फाइट में तो मुझे मज़ा आता। ये तो बहुत कमज़ोर पोकेमॉन है लेवल 5 के, इनसे लड़ने में कोई मज़ा नहीं। मुझे ये बहुत अनफेयर लग रहा है क्योंकि हमारे पोकेमॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो न्यू पोकेमॉन से उन्हें पकड़ूंगा ताकि ये एक फेयर बैटल हो। तो मैं लॉक को यहाँ स्विच कर दूंगा पिकाचू से। अब मैं देखता हूँ कि चिकोरिटा कहाँ है। चिकोरिटा उस साइड है। ओके, मुझे दिख गया चिकोरिटा। एक हूट हूट, हम इसे नहीं पकड़ेंगे क्योंकि एस को बाद में मिल जाता है इसका विकसित रूप नॉकडाउन। चिकोरिटा, वो चिकोरिटा हमारे साथ आने के लिए तैयार है। यस ऑफकोर्स, हम चिकोरिटा को लेंगे और वो बनेंगे हमारी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। थैंक यू चिकोरिटा हमारे साथ आने के लिए, इनसे बात करते हैं। इट्स रियली कोल्ड हियर। ओके, ये तो बहुत कोल्ड है, अब कोल्ड हट चुका है। अब हम आए हैं चेरी ग्रोव सिटी, जो भी है इसका नाम, और अब हम लेंगे चिकोरिटा को अपनी टीम में और हमारा न्यू पोकेमॉन। वेलकम चिकोरिटा। चिकोरिटा मुझे वैसे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं विनोसॉर को हटा लूँगा क्योंकि वो भी ग्रास टाइप पोकेमॉन है, मिस्टर माइम है लेवल 5 का। और मैं एक और पोकेमॉन को स्वाइप अप कर दूंगा, वो है ब्लास्टोइस। ओके, हाँ ब्लास्टोइस को, पेरिस को हम रखेंगे क्योंकि पेरिस भी एस का साथ छोड़ देती है वैसे, पर इस टाइम पेरिस भी नहीं गई और स्क्वाटल मतलब ब्लास्टोइस भी नहीं गया, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। तो ये है हमारी टीम, पिकाचू, चिकोरिटा, एस और लॉ हमारे मेन पोकेमॉन हैं इस समय जो हमारे पास हैं। और एक बार हम चेरी ग्रोव सिटी में सबसे बात कर लेते हैं। ये है एक घर, घर में आई वांट टू प्ले विद देम। ओके, मैं इनसे बात करता हूँ। ओके, ये बहुत गुस्सा है। ओके, मैं चला जाता हूँ।
ये तो बहुत तेज़ भागते हैं, ये अंकल भी बहुत तेज़ भाग रहे हैं ऊपर। टीम रॉकेट पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। जी हाँ, टीम रॉकेट, अब हम चलते हैं आगे। ये अंकल तो अलग अलग जगह भाग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे अंकल मिल जाओ, पहले मैं इन्हीं से बात करके देखता हूँ। पोकेमोन ट्रेड के बारे में हम बता रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, नॉर्मल नहीं, कोई ट्रेड वगैरह मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ग्रेविटी, ओके कोई पोकेमोन ग्रेविटी नहीं सीख सकता। तो इस वीडियो को आप इतने एंड तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही पोकेमोन गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। अरे अंकल मिल जाओ, अरे अंकल तो बहुत तेज़ हैं, अरे अंकल मिल जाओ भाई। शायद अंकल हमसे बात नहीं करना चाहते, तो हम आगे बढ़ जाएंगे और हम करेंगे आगे की जर्नी को कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम अपना पहला जोटो लीग का जिम बैज भी जीतेंगे। तो थैंक यू फॉर